हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहनवाज अहमद। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस टैक्सेशन एग्जाम फॉर दी दिसंबर अटेम्प्ट एज वेल एज फॉर दी मार्च 2022 अटेम्प्ट। बिफोर मूविंग टू द डिस्कशन, थोड़ा सा टीचर प्रोफाइल आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आई एम अ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ACCA। आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस and also done my advanced diploma in management accounting from SEMA UK, as well as a SEMA finalist. I'm teaching this subject for the last 16 years, not only teaching taxation subject, but as well as the financial and corporate reporting and financial and strategic financial management courses as well. Iske alawa ACCA ke saath, I'm also teaching SEMA, ICMAP and ICAW related courses. एडवांस टैक्सेशन के बारे में अगर बात की जाए तो इसको अफेक्टिवली स्टडी करने के लिए हमारे पास इसका जो प्रीवियस प्रीरिक्विजिट पेपर है दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन। टैक्सेशन पार्ट टू में एक कंपलसरी पेपर है जो कि हर स्टूडेंट पढ़ता है, और एडवांस टैक्सेशन एक ऑप्शनल पेपर है जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऑप्ट नहीं करते। नाउ एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है बिटवीन टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्सेशन इज द टाइम गैप, बिकॉज जब आप टैक्सेशन का पेपर कवर करते हैं तो उसके बाद एडवांस टैक्सेशन तक पहुंचने में आपके पास एक सफिशिएंट टाइम बीच में होता है जिसमें आप अपने प्रीवियस टैक्सेशन की नॉलेज को या तो भूल चुके होते हैं या आपके पास अप टू डेट नॉलेज एज पर द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट मौजूद नहीं होती, क्योंकि फाइनेंस एक्ट डेफिनेटली चेंज हो चुका होगा इतने टाइम पीरियड के अंदर। तो स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उन्हें अपनी टैक्सेशन की सारी नॉलेज रिकॉल करनी है और एडवांस टैक्सेशन के पेपर में इनकॉर्पोरेट करनी है। अगर हम एडवांस टैक्सेशन का फॉर्मेट चेक करते हैं तो लाइक अदर प्रोफेशनल पेपर्स, इस एग्जाम में आपके पास दो सेक्शंस हैं। सेक्शन ए दो कंपलसरी क्वेश्चंस पे कंप्राइज हुआ हुआ है और दोनों केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर वन की वेटेज 35 मार्क्स है, इट्स क्वाइट लॉन्ग क्वेश्चन और काफी डिटेल्ड क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा केस होता है जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज एग्जामिनर देता है और आपको उन इश्यूज को हैंडल करना होता है अफेक्टिवली, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना भी आसान काम नहीं होता। इस क्वेश्चन में 4 प्रोफेशनल मार्क्स बिल्ट इन होते हैं, तो आपको ये भी सीखना होगा कि किस तरह से आप 4 प्रोफेशनल मार्क्स में से अपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 25 मार्क्स का होता है। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कंपैरेटिवली सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 के मुकाबले में कम होती है, लेकिन अगेन इट्स अ क्वाइट लेंथी क्वेश्चन और ओवरऑल हमारे पास इस सेक्शन के अंदर एथिकल मार्क्स मौजूद होते हैं 5। एग्जामिनर या तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ सकता है, एथिक्स मस्ट बी इन द पेपर। 5 मार्क्स का एथिक्स का क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर आता है, तो इसका मतलब है ये 5 मार्क्स आप उस एथिक्स के पोर्शन पे काम करके सिक्योर कर सकते हैं। 4 प्रोफेशनल मार्क्स आप प्रॉपर वे में क्वेश्चन को एड्रेस करके, फॉर्मेटिंग प्रॉपर करके स्कोर कर सकते हैं। तो सेक्शन है आपका टोटल 35 + 25 = 60 मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके इस सेक्शन के अंदर अवेलेबल है, एंड अकॉर्डिंगली आपको इस सेक्शन को टाइम देना है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ मार्क्स। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपल्सरी क्वेश्चंस एंड ईच वर्थ 20 मार्क्स, यानी आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों की जो मार्क्स हैं वो 20-20 ईच होंगे, और उन दोनों क्वेश्चंस में आपके बिजनेस टैक्सेशन के इश्यूज भी शामिल होंगे और पर्सनल टैक्सेशन के इश्यूज भी शामिल होंगे। एग्जामिनर इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन भी कवर करेगा और बिजनेस एस्पेक्ट, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेशन हो, वो भी कवर करेगा। सो ओवरऑल आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है। प्रोफेशनल एग्जाम में कोई चॉइस नहीं होती,
आपको ये 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है, विच इज अ क्वाइट टफ टास्क फॉर स्टूडेंट्स। हम बाद में अपनी एग्जामिनेशन टेक्निक्स टिप्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इफेक्टिवली हम ये 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह हमें सेक्शन ए को कवर करना है एग्जाम में, किस तरह हमें सेक्शन बी को डील करना है, और जो स्टूडेंट पास में मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इस एग्जाम में ना आपको 100% कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, ना 100% आपका नैरेटिव वर्क होना चाहिए। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ कैलकुलेशन एंड नैरेटिव वर्क। लेकिन अगर हम इसको प्रीवियस टैक्सेशन के एग्जाम से कंपेयर करें तो दैट वाज अ प्योर कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम, और ये जो एग्जाम है इसमें कैलकुलेशन और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मिक्स हैं, और प्रोफेशनल एग्जाम में ज्यादातर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कैलकुलेशन को आप सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन विल बी सिनेरियो बेस्ड, हर क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होगा और उसके अंदर मल्टीपल टैक्स इश्यूज शामिल होंगे। टैक्स प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडवांस टैक्सेशन लेवल के ऊपर। आपको हर टॉपिक में टैक्स प्लानिंग को अंडरस्टैंड करना है, टैक्स प्लानिंग की टेक्निक्स पढ़नी है, और आप अपने क्लाइंट को एडवाइस देंगे कि जी अगर आप ये प्लानिंग करते हैं तो आप इस तरह से टैक्स लाइबिलिटी को जेन्युइनली मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड इंटरेक्शन ऑफ टैक्सेस, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ टैक्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, उसके बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जामिनेशन इज अ 3 hour 15 minutes एग्जाम। टैक्स रेट्स, अलाउंसेस एंड इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू इन द एग्जाम। आपको कुछ रेट्स, अलाउंस और रिलीफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन एग्जाम में गिवन होती है, एक शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्स से खुद मेमोराइज करने हैं। नाउ द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एग्जामिनर इज कि आपकी ये मेन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। आपको टैक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, हम यूके टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको यूके टैक्स सिस्टम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरह से काम करता है, और साथ साथ आपको एडवांस टैक्सेशन में जो नए आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी स्टडी करने हैं, अलॉन्ग विथ आपने जो टैक्सेशन के अंदर टॉपिक, यूं समझ लीजिए कि टैक्सेशन का पूरा सिलेबस एडवांस टैक्सेशन का पार्ट एंड पार्सल है, और एडवांस टैक्सेशन में आपके पास कुछ नए टॉपिक्स एड ऑन हो जाते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का टैक्स ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट का टैक्स ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी आपकी जो लगती है सेल ऑफ एसेट के ऊपर, शेयर्स के ऊपर, वो आपको पता होना चाहिए, ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ टैक्सेशन वो आपको पता होने चाहिए, और डोमिसाइल स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नए टॉपिक्स आपको एडवांस टैक्सेशन में अलॉन्ग विथ यूके टैक्स जो आपने टैक्सेशन में पढ़ा था साथ पढ़ने हैं। तो एक तो हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, दूसरी चीज है इम्पैक्ट ऑफ रेलेवेंट टैक्सेस ऑन वेरियस सिचुएशन। आपको एग्जाम में जो भी सिचुएशन दी जाएगी, किसी भी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको उस सिचुएशन में उस रेलेवेंट टैक्स की थ्योरी को अप्लाई करना है, ना कि जर्नली अप्लाई करना। और आपको ये भी असेस करना है कि इंटरेक्शन ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं और किस तरह से एक टैक्स सिस्टम दूसरे टैक्स सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, उसमें हम किस तरह से अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हैं। मिनिमाइजिंग और डेफरिंग लाइबिलिटीज, दो चीजें होती हैं, एक होती है टैक्स को चोरी करना और एक होता है टैक्स को मिनिमाइज करना। एक कहलाता है इवेजन ऑफ टैक्स और एक कहलाता है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। इवेजन इज अनएथिकल प्रैक्टिस, बट अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि आप किस तरह से अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर सकते हैं। डेफर करने का मतलब होता है कि आज मैं टैक्स नहीं दूंगा लेकिन 4 या 5 साल तक मैं उसे डेफर कर सकता हूं, तो उसके बाद में टैक्स दूंगा। जिस तरह टैक्सेशन के टॉपिक में एक डेफरल का तरीका होता है विच इज कॉल्ड रोल ओवर रिलीफ, कि अगर आज आप एक एसेट सेल करते हैं और उसके ऊपर कैपिटल गेन आता है, चार्जेबल गेन आता है, तो अगर उसकी प्रोसीड को री इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो आप उस वक्त तक टैक्स नहीं देंगे जब तक आप सेकेंड एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते। इस तरह आपके पास एक मार्जिन हो जाता है, मार्जिन मिल जाता है आपको कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग मेजर्स पढ़ाए जाएंगे कि किस तरह से ये किया जाता है। सिमिलरली आपको अपने क्लाइंट के साथ अफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, HM रेवेन्यू एंड कस्टम विच इज द टैक्स अथॉरिटी, उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, एंड अदर प्रोफेशनल्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, जो कि
एथिक्स के साथ आपका पार्ट कवर होता है कि आप किस तरह अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करेंगे, अगर आपका क्लाइंट अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो आपके पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं, और अगर आपका क्लाइंट टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर रहा या पेमेंट नहीं कर रहा तो उसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे। बेसिक टैक्सेशन के कोर्स में हमें इनकम टैक्स का टॉपिक पढ़ने का मौका मिलता है, कॉरपोरेशन टैक्स का टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसके अलावा इनहेरिटेंस टैक्स, आईएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट और कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी हम पढ़ते हैं। और इनकम टैक्स के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स टैक्सेशन के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है, पार्टनरशिप होती है, बेसिस पीरियड होता है। ये तमाम टॉपिक्स एडवांस टैक्सेशन के सिलेबस में इंक्लूसिव हैं, जी इंक्लूसिव है, और एडिशनल टॉपिक्स आपको एडवांस टैक्सेशन के अंदर जो पढ़ाए जाएंगे। तो हर टॉपिक के अंदर, जैसे इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक एडिशनल टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट, जिसका एक स्लाइड इंट्रोडक्शन दिया जाता है टैक्सेशन के सिलेबस में। लेकिन यहाँ पर यह बताया जाता है कि आप इस तरह से प्लान करें कि अगर आप अकाउंटिंग डेट चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी पर उसका क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम कॉरपोरेशन टैक्स की बात करें तो कॉरपोरेशन टैक्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को नया इंक्लूड किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटी है, अगर वो आरएनडी पे पैसा लगाती है तो उससे टैक्स बेनिफिट क्या होगा, अगर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएनडी पे पैसा लगाती है तो उससे टैक्स बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। इसी तरीके से इन दोनों में ओवरसीज एस्पेक्ट्स हमें बताए जाते हैं कि अगर आपके पास एज एन इंडिविजुअल कोई ओवरसीज इनकम है तो डबल टैक्सेशन के रूल्स कैसे अप्लाई होंगे। इसी तरह अगर कंपनी कहीं और रजिस्टर्ड है और वहां पर वो टैक्स दे रही है तो डबल टैक्सेशन को किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, ब्रांच वर्सेज सब्सिडरी को कैसे असेस किया जाएगा, क्या एक कंपनी अपने लॉसेज दूसरे कंपनी को ट्रांसफर कर सकती है, सो एंड सो। इसी तरह इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर कुछ नए इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, जो कि प्रीवियसली टैक्सेशन के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन एडवांस टैक्सेशन में आईएसटी और इनहेरिटेंस टैक्स बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया जाता है, जहां पर चैरिटी को अगर दिया जाए तो उसमें क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल हैं। इसी तरीके से गिफ्ट विथ रिजर्वेशन क्या होता है, इसी तरह से अगर आप विल के अंदर चेंज करना चाहें तो उसके सरकमस्टांसेस क्या होंगे, तो कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पर भी ऐड किए जाते हैं। ओवरसीज एस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स, सिमिलरली अगर वैल्यू एडेड टैक्स की बात की जाए तो वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर भी कुछ नए इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं और सीजीटी के अंदर भी कुछ नए इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। एग्जामिनेशन टीम की एडवाइस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, लेट्स सी एग्जामिनेशन टीम हमें क्या एडवाइस करती है कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए एटीएक्स एग्जाम की। नो योर स्टफ, यू मस्ट हैव थॉरो और प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द इंटायर सिलेबस। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे एडवाइस की जा रही है वो ये है कि आपके पास डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए पूरे सिलेबस की। अब जो स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टडी करके जाते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स पर उनकी ग्रिप होती है और बाकी टॉपिक्स पे ग्रिप नहीं होती, उन्हें एग्जाम के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू एडेड टैक्स प्रॉपरली पढ़कर नहीं जाता तो उसकी जो वेटेज है वो कवर नहीं कर सकेगा। सिमिलरली आपके पास जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है उसको प्रॉपरली आपने यूटिलाइज किया हुआ, उसको रिफ्रेश किया हुआ हो। हम जो एटीएक्स टीच करते हैं उसके अंदर हम पूरा टैक्सेशन के सिलेबस का रिविजन करते हैं, इस तरह से ये एज्यूम करके कि स्टूडेंट ने कभी टैक्सेशन का सिलेबस नहीं पढ़ा, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज वाला मसला नॉर्मली नहीं होता। फिर आपको कोर्स कवर करने के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं अंडर एग्जाम कंडीशन इन दी ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो चुका है और इसमें जब आपको प्रैक्टिस की जाएगी तो इसके अंदर आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं थ्योरी लिखने के लिए, एक्सेल इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो किस तरह से आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में परफॉर्म करेंगे उसके लिए आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। लर्न हाउ टू स्पॉट ट्रिगर्स,
आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ ट्रिगर्स दिए हुए होते हैं जिससे आप अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप सीखेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे क्वेश्चन में से पिक करनी है और उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर डिवेलप करना है। बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चन ऑन एथिकल इशूज। ये आपको बताया जा चुका है कि 5 मार्क्स सेक्शन ए में एथिक्स के ऊपर होते हैं, तो एथिकल इश्यूज जहां भी आते हैं अल्टीमेटली आपको वो एड्रेस करने प्रॉपरली। अब कुछ एग्जामिनर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कि एग्जामिनर रिपोर्ट, देखें एग्जामिनर रिपोर्ट हमेशा बहुत अच्छी चीज होती है ये स्टडी करने के लिए कि स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं। डिटेल एग्जामिनर रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी अलॉन्ग विद द कोर्स, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जामिनर रिपोर्ट का इंसाइट शेयर किया जा रहा है। दोज कैंडिडेट्स हु डिड नॉट परफॉर्म वेल, पहले तो बात की जा रही है कि वो स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, जो पास नहीं हो सके, जिनकी 40s एंड 50s के अंदर मार्क्स थे, उनकी वीकनेसेस क्या थी, आपको क्या करना है कि आपको वो वीकनेसेस को ओवरकम करना है ताकि आप एक वेल परफॉर्म्ड स्टूडेंट की लिस्ट में आ सकें। दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट रूल्स विद इन द सिलेबस। सेम थिंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक अबाउट ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन। अब ये क्योंकि एक टफ टॉपिक है तो ग्रुप एस्पेक्ट्स के अंदर बहुत सारे प्लानिंग के इश्यूज मौजूद होते हैं। क्या आप प्लान कर सकते हैं कि हमें एक ग्रुप की कंपनी को कैसे स्ट्रक्चर करना है कि उसके लॉसेस ट्रांसफर हो जाएं, उसके कैपिटल अलाउंसेस से बेनिफिट ले लें, उसके कैपिटल गेन से बेनिफिट ले लें। अगर आपने ये टॉपिक सही तरीके से नहीं पढ़ा और सेक्शन बी में पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ग्रुप पे आ जाता है तो आप एग्जाम के अंदर परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते। दे डिड नॉट स्पेंड सफिशियंट टाइम इन थिंकिंग वट टू राइट। देखिए नॉर्मल प्रैक्टिस स्टूडेंट की ये होती है कि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फौरन लिखना शुरू कर देते हैं, वट एवर कम्स इन देयर माइंड, जो कुछ उनको आ रहा होता है वो लिखना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये सही प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको एक लॉजिकल और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है तो आप पहले थॉट प्रोसेस करें, बुलेट्स बनाएं कि इस पूरे आंसर के अंदर मुझे ये पॉइंट लिखने हैं और देन स्टार्ट राइटिंग। सो थिंकिंग प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है और पहले रिक्वायरमेंट पढ़कर उसको कैसे एड्रेस करना है ये भी हम प्रैक्टिस के दौरान डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट वॉज पुअर, मेजॉरिटी स्टूडेंट की ये शिकायत होती है कि पेपर बहुत लेंदी था, तो ये बात जहन में रखें कि पेपर लेंदी नहीं होता, आप अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से उसको लेंदी बनाते हैं और आप अपना 100% पेपर अटेम्प्ट ना करने के दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न तो ये कि आपको टॉपिक आता नहीं है और दूसरा रीज़न ये है कि आपने अननेसेसरी टाइम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सबसे लेंदी सवाल है उसके अंदर आपने जो 35 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए आपको अप्रॉक्स 1 आवर टाइम चाहिए होता है, आपने उसके अंदर 1.5 घंटा लगा दिया, तो एज ए रिजल्ट फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं दूसरे एरियाज की तरफ। सिमिलरली वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉम्पिटेंस शो किया, स्किल्स शो की, सक्सेसफुल हुए, वो क्या स्किल्स थी, वो क्या कॉम्पिटेंस था जो कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के अंदर नजर आता है। नंबर 1, दे हैव अ गुड लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, टैक्सेशन सिस्टम, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, IHT, हर टेक्निकल एरिया के बारे में उनकी नॉलेज होती है। दे आर एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस सिनेरियो, क्योंकि उनकी आदत होती है कि वो पास्ट पेपर को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो एग्जाम क्वेश्चन में जो पास्ट में आ चुके होते हैं उन्हें ये पता होता है कि एग्जामिनर ने ये टॉपिक किस तरह से टेस्ट किया, तो दे आर इन अ पोजिशन के वो एग्जाम में इसको रिपीट कर सके। दे केयरफुली रीड एंड एड्रेस ईच ऑफ द रिक्वायरमेंट। देखें रिक्वायरमेंट को रीड करना भी एक स्मार्ट टेक्निक है कि आप पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि पूरे रिक्वायरमेंट के अंदर कितनी सब रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कहाँ सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कहाँ आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, कहाँ आपको लेंदी कैलकुलेशंस नहीं दिखानी और कहाँ आपको कैलकुलेशन जस्ट ऑन द वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में शो करनी है, उसके लिए एक्सेल इस्तेमाल नहीं करना। दे टेक टाइम टू थिंक एंड प्लान देयर आंसर एंड मैनेज देयर टाइम वेल। सो प्लानिंग, ये अगर आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होगा तो आपको प्रोफेशनल मार्क्स भी मिलेंगे और अगर आप अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो अल्टीमेटली आप एग्जाम में कुछ मार्क्स छोड़ कर आएंगे जो कि एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, आपको 40s टू 50s के दरमियान प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ओवरऑल हमारा एजेंडा था आज का जिसमें हमने डिस्कस किया कि ATX का सिलेबस क्या है, ATX का प्री रिक्विजिट क्या है,
टेक्निकल स्किल्स में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट इसके अंदर कम आता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा आता है, सिलेबस काफी लेंदी है, सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया गया, प्रॉब्लमेटिक एरियाज आपको बताए गए। अब ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं और एक प्रॉपर कोर्स आप लेते हैं तो आप अल्टीमेटली इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और पहली अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं। जो कोर्स हम ऑफर करते हैं एडवांस टैक्सेशन का, उसके कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर वन, हम आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट कोर्स से। कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जिसको हम इग्नोर करेंगे। कंप्लीट कोर्स टैक्सेशन इन एडवांस टैक्सेशन के बेसिक टॉपिक्स भी और एडवांस टॉपिक्स भी। पास पेपर्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस मौजूद होगी लेक्चर्स के अंदर। सीबी फॉर्मेट को भी डिस्कस किया जाएगा कि सीबी फॉर्मेट में अगर कोई सवाल सॉल्व किया जाता है तो किस तरह वर्ड और एक्सेल के अंदर यूज किया जाएगा, किस तरह एक्सेल के न्यूमेरिकल्स को वर्ड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। आपको हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे तो आप अपनी बुक के साथ नोट्स को रेफर कर सकते हैं। 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट होती है, अगर आप ड्यूरिंग द स्टडी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उस प्रॉब्लम को ट्यूटर के साथ जब चाहे शेयर कर सकते हैं, ट्यूटर अपने अप्रोप्रिएट टाइम में आपको उसका इफेक्टिवली आंसर करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद होते हैं ताकि स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकें। एग्जाम से पहले हम आपको लाइव सेशन देंगे, क्यूरी सेशन देंगे, कुछ एग्जाम टिप्स के ऊपर सेशंस देंगे, कुछ प्रैक्टिस के ऊपर सेशंस देंगे, एक एग्जाम ड्रिल सेशन कंडक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए जिसके अंदर उनको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और रेगुलरली आपको एग्जाम टिप्स और टेक्निक्स की वीडियो मिलेंगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जी प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है और किन चीज़ों को इम्प्रूव करके आप एडवांस टैक्सेशन में अपने पास होने के चांसेस को बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस कोर्स के लिए कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल हासिल कर सकते हैं, डेमो लेक्चर ले सकते हैं, या हमारी फेसबुक की किसी पोस्ट के ऊपर आप कमेंट करके वहां से भी इसकी डिटेल हासिल कर सकते हैं।